अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मसीहुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मसीहुल्लाह एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद है सभी और खैरियत वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सऊदी अरब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से कि बीएस के लिए 26 यूनिवर्सिटी में मेल और फीमेल के लिए स्कॉलरशिप ओपन है और कोई भी डेडलाइन नहीं है, लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप में, क्योंकि कोई भी डेडलाइन मेंशन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कैसे अप्लाई करना है। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अरेबिक डिप्लोमा के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के पास एफए सर्टिफिकेट होते हैं या मदरसे की सनद, तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि उनके अरेबिक डिप्लोमा में बहुत आसान से स्कॉलरशिप देते हैं सऊदी अरब गवर्नमेंट और सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आसानी से मिल जाते हैं स्कॉलरशिप। तो आप लोगों के लिए चांस है अरेबिक डिप्लोमा के लिए, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं अरेबिक डिप्लोमा के लिए और अप्लाई करना बहुत आसान है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अप्लाई कैसे करना है। जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देते हैं बीए स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स के लिए, तो उस तरह सेम ही अरेबिक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वही फैसिलिटीज़ देते हैं जो बीए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। मतलब स्टिपेंड भी मंथली देते हैं, फ्री वीज़ा, फ्री टिकट आने जाने का और हॉस्टल सब कुछ। ये स्कॉलरशिप मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अरेबिक डिप्लोमा के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई डेडलाइन नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, कोई भी डेडलाइन नहीं है। अप्लाइंग प्रोसीजर सिंपल है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया भी इतने मुश्किल नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। तो अप्लाई ज़रूर करें स्टूडेंट्स। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए हैं चैनल पे और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, अब मैंने सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन की है, तो नीचे आना है। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते। ये जो लिखा हुआ है अप्लाई टू स्टडी नाउ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, लेकिन ये अलग से प्रोसेस है, ये थोड़ी सी लेंथी है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये नीचे आना है, नीचे ये जो लिखा हुआ ये कोड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेज ओपन हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है तब द ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 1 to 8 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। पहला जो है यहाँ सेलेक्ट करना है ग्रैंड टाइप, तो एक्सटर्नल सेलेक्ट करें और पर्सनल डेटा देना है, नेशनलिटी नेम लिखना है। ये समझ आ जाएंगे आप लोगों को। सिंपल डेटा डालना है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पोर्टल आप लोगों को ओपन हो जाएगा एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डाटा का, तो इसमें पोस्ट कोड और डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना है, बिल्डिंग नंबर और फर्स्ट रिलेटिव डाटा लिखना है, सेकंड रिलेटिव और रिकमेंडर की नंबर, ईमेल, नेशनलिटी लिखना है, जो रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों को देते हैं ईमेल वगैरह लिखना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स लिखना है ट्विटर फेसबुक वगैरह। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन डेटा, तो ये समझने वाले ऑप्शन है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन, यानी आप लोग बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या डिप्लोमा के लिए, तो इस पर क्लिक करें। फिर इस तरह टू ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएगा कि इनमें एक सेलेक्ट करें। आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हो या बैचलर डिग्री के लिए, तो डिप्लोमा पे क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताना था कि डिप्लोमा के लिए कैसे अप्लाई करना है। बैचलर के लिए वीडियो बनाया है कि कैसे अप्लाई करना है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन से मिलेगा कि कैसे अप्लाई करना है बैचलर के लिए और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है बैचलर के लिए, तो डिप्लोमा पर क्लिक करें। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे प्रीवियस डेटा डिटेल डालना है, लैंग्वेज डिटेल्स ये लिखना है और यूनिवर्सिटी डेटा वगैरह। फिर सात नंबर पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आठ नंबर पे रिव्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करें। फिर आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये आसान से टिप्स है, मैं वीडियो लेंथी नहीं करूँगा, आगे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इन कर देता हूँ। लेकिन आप लोग ये ज़रूर करें कि डिप्लोमा के लिए जो ज़्यादा चांसेज है स्कॉलरशिप के लिए, एक है
उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। तो आगे आप लोगों को शो हो जाएगा कि 26 यूनिवर्सिटी में तीन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो एक आप लोग डिप्लोमा के लिए उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, दूसरे रियाज में है इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर आप लोग सेलेक्ट करें नजरान यूनिवर्सिटी। इन तीन यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ये तीन आप लोग सेलेक्ट करें। और आखिर में 8 नंबर पे रिव्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करें, तो फिर आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। तो इन तीनों में इंशाल्लाह किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी वीडियो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।